भूषण ज्वेलर्स। प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने के बाद अभी भी मंत्रिमंडल के गठन का इंतजार हो रहा है। दिल्ली पहुंची मंत्री पद की रेस अब शिमला की ओर रुक कर रही है। सोलन के विधायक एवं पूर्व मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल भी मंत्री पद के दावेदार हैं और करीब दो हफ्ते तक दिल्ली में डेरा डालने के बाद लौटे हैं। रविवार देर रात वे दिल्ली से लौटने पर वो सोमवार को सीधे सीएम से मिलने शिमला पहुंच गए। राजनीतिक विश्लेषक इसके कई मायने निकाल रहे हैं। हालांकि शांडिल की ओर से इसे शिष्टाचार भेंट बताया जा रहा है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बहुमत मिलने पर सुखविंदर सिंह सुक्खू, प्रतिभा सिंह के साथ सोलन सदर के विधायक कर्नल धनीराम शांडिल का नाम भी सीएम की रेस में था। लेकिन सुखविंदर सिंह सुक्खू के सीएम और मुकेश अग्निहोत्री के डिप्टी सीएम बनने के बाद कर्नल शांडिल की भी डिप्टी सीएम की दावेदारी सामने आई थी। इसके बाद मंत्री पद के सभी दावेदारों ने दिल्ली में डेरा डाला। इस दौरान राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए अब तकरीबन सभी विधायक वापस लौट आए हैं। माना जा रहा है कि अब नए साल में ही नए मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए दावेदार अब सीएम दरबार में पहुंच रहे हैं। सोलन जिला से कांग्रेस के चार विधायक चुने गए हैं। इसमें से तीन मंत्री पद के दावेदार माने जा रहे हैं। शांडिल सोलन सदर सीट से लगातार तीसरी बार विधायक बने हैं। पूर्व में सांसद और मंत्री भी रहे हैं। संजय अवस्थी को सीएम का खास माना जा रहा है और राम कुमार भी मंत्री पद के दावेदार के तौर पर सामने आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ENTV। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए ENTV के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।